फिर चरागे लाल से रोशन हुए को हो दमन, फिर चरागे लाल से रोशन हुए को हो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। सुबह बखैर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। फिर चरागे लाला, यानी हर दिन की तरह आज की सुबह भी चरागे लाला ने कोहे दमन को रोशन कर दिया, और हर दिन की तरह आज की सुबह भी आपकी खिदमत में हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के। नाज़रीन, खुशी और उम्मीद के नगमात लिए और निशात व मसरत के पयामात लिए आपकी खिदमत में, और इस दुआ के साथ बारगाह रब्बुल आलमीन में, उस लम यज़ल की बारगाह में जो अल्लाह नूर समावात वल अर्द है, कि हमारी जो तारीख तंग गलियां हैं, हमारे रास्ते हैं ज़िंदगी के, उनको अपनी नूर से मुनवर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी खैर ख्वाही के साथ मैं रहूँगा आपके साथ नियाज भट्ट, और मेरे साथ मेरे खैर ख्वाह भाई माजुल खैर नंद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं? अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामीन को मेरा भी प्यार और खलूस बरादाब, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। अल्लाह ताला करे कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए, आप जहाँ कहीं भी हो खुशहाल हो, सेहतमंद रहे और तंदुरुस्त रहे। तमहीद में ही नियाज भाई, हमारे ऊपर चंद जिम्मेदारियाँ होती है, मेरे ख्याल से पहले वो जिम्मेदारियाँ निभा लेते हैं। मौसम और के हवाले से तो लोग ज्यादा फिक्रमंद हो गए। लाला का जिक्र किया, वो इतना तपा हुआ है कि बेहतर है कि उसके बारे में ही हम शुरू करें। बिल्कुल, लोग बहुत फिक्रमंद होंगे मौसम के हवाले से। जो हीट वेव थी उसका जो फोरकास्ट भी था 29 मई तक था, वो तकरीबन खत्म हो गया, और कल शाम से ही मौसम में जो है तब्दीली रोनुमा हुई। आज जो महकमे मौसमियात से पेशन गोई है, वो जो दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा श्रीनगर में 27 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान हैं, और कल रात का जो दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जम्मू में जो सूरज है वो आज भी अपने उरूज पर रहेगा। आज जो दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस और कल रात का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज वादी में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिशें हो सकती हैं। ट्रैफिक के हवाले से जो अपडेट्स आज मिले हैं, NH 44 पर कौमी शाहरा जो है उस पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत दी गई है, अलबत्ता जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा। SSG रोड है, उस पर भी छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत दी गई है, बड़ी गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल के लिए चलने की इजाजत दी गई है। मुगल रोड पर भी छोटी गाड़ियां दोनों अतराफ से चलेगी, अलबत्ता जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको पुंछ से शोपियान तक के लिए रवाना किया जाएगा। इसके लिए वही गाड़ियां चलेगी जो 10 टायर तक जो मालबरदार गाड़ियां उनको पुंछ से शोपियान के लिए इजाजत दी जाएगी। मजीद अगर आप सफर का इरादा रखते हैं, आपके जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इन पर राबिता करें, या जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर लेटेस्ट अपडेट ले, उसके बाद ही सफर के लिए रवाना। जी जी बिल्कुल, ये थे सफ़र इखते बे यम क्या चे वनन वतन हिंद ते बे मौसमी क्या हाल, तो मौसम इंशाल्लाह रहमान इत के जन मौजूद हो कि मौसम उस रात पर बिल्कुल कल शाम से अच्छा ही हुआ कि ठंडी ठंडी हवाएं थोड़ी सी और दूर दराज इलाकों में भी शायद बारिश थे, यम की वजह से मौसम में ठीक ठाक फर्क रूजन, तो मौसम हाल तो मौसम यूथी असल ग तो मौसम सत पता ऐसी जिम्मेदारी आसान कि नाजरीन तमाम वातनावान हर दो सुबह क्या डे बड़े मौसम तो ठीक आ मौसम सत ठीक आम मौसम ज्यादा पे महसूस ग मालूम कि हर दो सुबह तुहदस खदमत मे डल वातनान बसूरत नगमु बसूरत कह बत आज तरन पेश तुहदस खदमत मे बत डॉक्टर शाइस्ता अहमद तु वो महसूस गु वान रूजु यह प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के।
नाज़रीन एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। नाज़रीन आप हमें टेलीविज़न पर बराह रास्त देखने के साथ साथ हमारी यूट्यूब चैनल पर भी हमें देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाके डीडी कश्यप टाइप करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो हमारी दीगर नशरियात हैं उससे भी आप लुत्फानंदोज़ हो। नाज़रीन हर रोज़ हर सुबह हम एक ख़ास मेहमान को मदू करते हैं और उससे बात करते हैं। आज भी हमने खास मेहमान को ही दावत दी है और बनफ्स नफीस तशरीफ ला चुके हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हैं। और आज जैसे हम बात कर रहे थे नियाज भाई प्रोग्राम के आगाज में कि मौसम में जो है तब्दीली, जैसे टेम्परेचर है ऑलरेडी दिल्ली में भी जो पारा है 52 डिग्री से ज्यादा चला गया, तो जैसे आज भी बच्चे क्या हम बोलते हैं, वहाँ एक प्रोवर्ब है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो एक अपना एक ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल होता है, अगर आप वो करना छोड़ोगे शायद आप कल एक कंपटीशन में कॉन्टेस्ट में शायद वो परफॉर्म नहीं करोगे। आपने जो जिक्र किया ना, जो आज हमारे मेहमान है और यहाँ एक फोटो भी छपी थी इस अखबार में स्विमिंग की, ओके, तो जो हमारे मेहमान है वो स्विमिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट है और ये गर्मी का ही मौसम है कि जब हम स्विम कर पाते क्योंकि नाजरीन डल नजदीक तो डलस तिम दोन स्रांटि मगर वह रूज न डल सो शूब क्या तथ मे स्रांटि गब तूत क्या कलन नालन वगैरह मजान। अलबत् वन मुख्तलिफ जायन क्या दपान स्विमिंग पूल वगैरह तो अस तम कि वजह सह कैमरा मैन अपार तेल बल तेल बल नाल स्नान तो यकीन मुख्तलिफ जायन गसान वगैरह तो आज ये मगर अत मे चीज खास ख्याल थोन पी बच्चे तम खास ख्याल थोन क्योंकि आब जायन गर्दात ग खतरा आसान। अलबत् स्विमिंग या कह स्पोर्ट्स हेचन सेठा जरूरत, अमे हवाल करो मजीद सेठा कत क्या सन मेहमान जो हमारे मेहमान हैं उनकी वाबस्तगी इससे है, इनफैक्ट इनके बहुत बड़े माहिर भी है। आप देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, पहले एक छोटा सा वक्फा उसके बाद मेहमान से मुलाकात। कश्मीर
एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाजिन तो चूशा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके, जिस तरह माजिद ने पहले आपको ज़रा सा हिंट दी कि आज हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। माजिद, मुझे आपका ये कॉल था वो, या आपने कहा कब पढ़ा था कि पहले हम कहा करते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो हो जाएंगे खराब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अब हम खेलेंगे कूदेंगे तो नवाब क्या नवाब से भी कुछ ज्यादा ही लाजवाब लाजवाब ही बनेंगे। मुझे जरा सा आपकी वो बात याद थी। तो आज जिस हवाले से हम बात करेंगे उसका आपको हिंट जरा सा इंकशाफ हुआ ही है कि आज हमारे साथ जो मेहमान है तशरीफ फरमा, वो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी है। हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर मनदीप सिंह। डॉक्टर मनदीप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत खुशामदीद, और हमें बहुत खुशी हुई कि हमने आपको दावत दी। आपको वक्त की कमी होती है, आपका बिजी स्केड्यूल होता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके बावजूद भी आपने यहाँ तशरीफ लाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम की ओर से। आपका भी आभार है और बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हम आज, आप डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी है, तो यो इसमें एक सफ़र रहा होगा, कैसे शुरू किया आपने, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने एजुकेशन किस तरह ली, या तालीम है, तरबियत है, घर में जैसे माहौल है, या आप कहाँ से है, क्योंकि हमारे जो ये देखने वाले होते हैं नाजरीन, उनको बड़ा तजस्सुस रहता है कि क्यूरियस रहते हैं कि जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में पहले हम जानें, फिर जो आपका फील्ड है एज अ फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर स्पोर्ट्स उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि आपके जो मिशंस है, विजन्स है, गोल्स है, या यूनिवर्सिटी में किस तरह आप इन चीज़ों पर काम करते हैं। लेकिन हमारी पहली ये गुजारिश रहेगी कि आप अपने बारे में, डॉक्टर मनदीप सिंह के बारे में हमें ज़रा तारुफ दीजिए, कहाँ से तालीम शुरू की, कहाँ से हैं आप, और फिर जो हमारे बहुत अच्छी जामिया है, यूनिवर्सिटी है, उसमें ये जो शोभा आप संभाल रहे, किस तरह यहाँ तक का सफ़र रहा आपका। ऐसे तो रहने वाला मैं जम्मू का ही हूँ जी, सतवारी के पास ही रहना कॉलोनी है, वहीं पे रहा हूँ। सतवारी जम्मू? सतवारी जम्मू। तो बचपन से आपने बहुत जहाजें देखी होंगी? हाँ, यहाँ भी बचपन में वहाँ बहुत नजदीक से दिखते थे ना जहाज, तो हम इसी शौक से जाते थे सतवारी के, इसको हम वहाँ जहाज देखे उड़ते हुए नजदीक से देखे, ये बचपन में बड़ा थ्रिल अंदर कायम करता है। हाँ, और वैसे मेरी ये किस्मत भी रही कि मेरे फादर साहब भी एयरफोर्स में ही। अच्छा, तो उस वजह से भी जहाज और रनवे इन सब में भागने का अच्छा मौका मिल जाता था, मौका मिल जाता, खेलकूद का काफी शौक रहा था। और क्योंकि फादर साहब एयरफोर्स में डिफेंस में थे, तो सुबह सुबह उठना, खेलकूद में ज्यादा आगे रहना, इंटरेस्ट दिखाना, और जो कमी होती थी वो जो मेरी मदर थी वो डांट के पूरा कर देती थी। तो खेलकूद में शौक पड़ गया था और शुरू से ही पड़ गया था। तो उसमें बस एक अच्छी बात ये हुई कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती थी पहले, अभी भी है, लेकिन पहले बहुत कम सेंटर्स होते थे इसके। इंडिया में सिर्फ चार सेंटर होते थे, हुआ करते थे चार मेन सेंटर सिर्फ ऑल ओवर इंडिया। अब इससे ज्यादा है, अभी तो हमारे तकरीबन 14 से 18 सेंटर्स हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एकदम स्टार्टिंग में पांचवी क्लास से बच्चों को अपने पास ले ले रही थी, पूरा स्पोर्ट्स के लिए अडॉप्ट कर लेती थी। अच्छा, ठीक। तो वो मुझे मौका मिला था, हमारे ट्रायल्स हुए थे, मुझे भागने खेलने का मौका मिला। स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोग आए, उन्होंने जब देखा तो फिर उन्होंने मेरे को सिक्स क्लास से ही वेस्ट बंगाल में बैरकपुर, फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम होता था, तो मेरी जो स्कूलिंग है वो पूरी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रही। मतलब आपका कहना ऐसा है कि जब आप पांचवी क्लास में, फिफ्थ क्लास में, उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी बच्चों को सिलेक्ट करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्कूलिंग मेरी स्कूलिंग फिर वही एक स्पोर्ट्स के ही हवाले से ही होती है, मतलब पूरी वहाँ पे खेलना ही होता था, पढ़ाई
पे, वैसे ही मैं कमजोर था, इतना ज्यादा ध्यान होता नहीं था। अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन वहाँ बाकी होती नहीं, पूरा वो पूरी फॉर्मल एजुकेशन होती थी, पूरी क्लासेस होती थी, केंद्रीय विद्यालय है, स्पोर्ट्स का ही होता था, सीबीएसई से ही हम लोग 10th और 12th पास करते हैं। लेकिन वहाँ पे ये था कि क्योंकि वो स्पोर्ट्स था तो वहाँ पे पूरा फोकस एक जोन का स्पोर्ट्स के ऊपर ही होता था, स्पोर्ट्स हॉस्टल होते थे और उसी में हमको रखा जाता था। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की, वो बच्चे जिन्हें सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, वो तो घर में आज कहेंगे कि हम डॉक्टर मनदीप सिंह को ही देखेंगे और देखिए कि इसमें इतना अच्छा फील्ड है, आगे जा सकते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, ये एक मतलब जब हम लोग सारे स्पोर्ट्स वाले एक जगह रहते हैं तो फिर पता चलता है कि हमसे अच्छे सीनियर्स जो खेलते हैं उन्हीं को देखते हैं और फिर उसी तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। जो वेस्ट बंगाल की आपने शुरुआत की तो फिर वहाँ आपने कब कहाँ तक पढ़ाई की, वहाँ जो था वो क्या, इट वॉज ओनली फॉर द ग्रेजुएशन या क्या था सफर इसके आगे? स्कूलिंग 10वीं तक मेरी वहीं पे रही, सॉल्ट लेक स्टेडियम थे, वहीं पे हम लोग स्कूलिंग पे सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिर 11वीं और जो 12वीं थी हमारी वो केंद्रीय विद्यालय कानपुर में हुई। और उसके बाद फिर हमें बोला गया कि अब आप आगे बढ़ने के लिए ग्रेजुएशन के लिए, तब ऑप्शन था कि साई छोड़ के हम अपनी जगह चले जाएं। अच्छा, तब आप फिजिकल एजुकेशन से छोड़कर किसी और फील्ड में भी जा सकते? हाँ, तब मैं फिजिकल एजुकेशन में तो नहीं कह सकता क्योंकि जनरल स्कूलिंग थी। ओके, जनरल। लेकिन ये था कि हम लोग के स्पोर्ट्स में ही रहते थे, स्पोर्ट्स हॉस्टल रहता था अपना और हमें वो एटीट्यूड हम बोल सकते हैं, मेंटल सेटअप ऐसा ही बना, वो बिल्कुल वो मेंटल सेटअप एक ऐसा बन गया था। लेकिन क्योंकि हमारे कोचेस, हमारे गुरु जो थे वो सब स्पोर्ट्स से थे, तो जो मुझे ऑप्शन सबसे अच्छा लगा वो यही लगा कि अब फिजिकल एजुकेशन में नहीं जाना, आ जाना चाहिए। वो आपने बहुत अच्छी बात की ना, वो शौक की बात रहती है, जब दिल में कोई बात उतर जाए तो फिर कोई चीज और अच्छी लगती नहीं, और अच्छी लगती नहीं है, कोई और ऑप्शन कभी रखा ही नहीं लगता, फिर पूरी दुनिया बेरंग लगती है, सिर्फ रंगदार यही चीज एक लगती है, यही था। जब आपको ये अब बहुत रंगीन लगी ये दुनिया, तो कहां कहां से फिर आपने जो अपने, चूंकि यू हैव डन डॉक्टरेट इन दिस फील्ड, आपने डॉक्टरेट किया हो, तो कहां कहां से ये सफर गुजरा है फिर? फिर हमें एक फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एशिया में बहुत ऊपर रैंकिंग में है। अच्छा, पूरे एशिया में? सबसे पूरे एशिया में ये एक स्पोर्ट्स साइंसेज का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। अभी जो रिसेंटली इनकी रैंकिंग आई थी जापान दिंगसोंग यूनिवर्सिटी की, उसमें भी इसको तीसरे नंबर पे रखा गया। बस मेरे लिए उस समय दिक्कत ये थी कि उसमें सिर्फ 25 बच्चे आते थे, और तो मैं एक साल जब मैं वहां पे सिलेक्शन के लिए गया तो मेरी सिलेक्शन हुई पहले साल नहीं हुई। मैं फिर मतलब उस टेस्ट को ही पास नहीं कर पाया, रिटर्न मतलब में वैसे ही वीक होता था। ये बड़ी अच्छी बात कि स्पोर्ट्स में भी फेल होता है, स्पोर्ट्स में भी फेल होता था, खेलकूद में भी फेल हो जाता, बिल्कुल फेल होता था। तो वो मेरे लिए लाइफ का एक ऐसा फेज रहा कि 12वीं करने के बाद एक साल जो इंस्टीट्यूशन में मैं जाना चाहता हूँ वहां नहीं गया, फेल हो गया, सिलेक्ट ही नहीं हो पाया, तो फिर एक जिद सी हो गई कि नहीं अब तो इसी में। इट्स लाइक सेम कि बच्चे हमारे यहाँ नीट देते हैं या जेईई देते हैं, उनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हो जाता, इसी तरह आप भी फिर ग्रेजुएशन उसमें नहीं हुआ था, नहीं हुआ, देन सेकंड अटेम्प्ट में आपने वहां कर लिया, तब सेकंड अटेम्प्ट में पूरे लिस्ट में सबसे ऊपर मैं ही आया था, और वो अच्छा मेरे लिए रहा। बड़े बड़े अच्छे फिजिकल एजुकेशनिस्ट हमारे, जिनकी हम किताबें पढ़ते थे, जिनका सुना था, उनको देखना हमारी क्लास में, उन लोग प्रोफेसर्स ने आना, उन्होंने पढ़ाना हमें, तो वो हमारे लिए बड़ा था। मास्टर्स, मास्टर्स भी रही। ये ग्रेजुएशन थी फिजिकल एजुकेशन की 3 साल की ग्वालियर में। ओके। और उसके बाद फिर द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन केरला में, त्रिवेंद्रम। तो फिर यहाँ के बेस्ट स्टूडेंट्स को वहां जाने का मौका मिलता था। तो सिर्फ इनमें से 3 या 5 स्टूडेंट ही वहां जाते थे। तो फिर मास्टर्स के लिए, हाँ वहां कम ही होती थी, 5-6 सीटें होती थी, बाकी सीटें फॉरेन्स की होती थी, ऑलमोस्ट 15 सीटें होती थी, तो रेशियो हमारे पास 5-6 ही आता था इंडियन से। तो फिर केरला त्रिवेंद्रम में वहां पे 2 साल की मास्टर्स डिग्री थी, वो पूरी की, फिर डॉक्टरेट, और उसके बाद डॉक्टरेट का मौका जो मेरी चॉइस थी वो थी पटियाला में, क्योंकि वो बेस्ट इंस्टीट्यूशन था पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और मैं बायोमैकेनिक्स में ही करना चाहता था, तो वो पटियाला में काफी अच्छा था। तो पटियाला में आपने पीएचडी किया फिर? वहां पे फिर मैंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट की। मेरी किस्मत थी कि मुझे प्रोफेसर, हम कह सकते हैं कि खेलते खेलते हो गया, बिल्कुल खेलते खेलते हो गया। लेकिन खेलना खेलना इतना आसान नहीं है कि जितना हम इसको समझते हैं, सिर्फ तफरी नहीं है, दिस नॉट ओनली एंजॉयमेंट, इसमें डेडिकेशन और इसमें यकसोई फोकस्ड रहने की बहुत जरूरत है। उस बारे में बताइए, इस सफर के दौरान आप चूंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर से थे, यहाँ एक अलग माहौल,
सतवारी में ग्रीनरी हर जगह, फिर आप बंगाल गए, वेस्ट बंगाल, फिर केरला गए, फिर अब ग्वालियर गए, ये जो सफर कॉम्पिटिशन में नेशनल कॉम्पिटिशन में आपने जो इन्वॉल्वमेंट थी आपकी, इसमें फोकस्ड रहना और इंस्पायरेशन देना, कौन थी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आपके आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा, आपकी मदर या कोई और ऐसा गाइड हो जिसने आपको इस रास्ते पर महकम होकर चलाया? मेरे मदर तो हमेशा मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, तो अगर सुबह थोड़ा सा भी लेट हुआ तो उनकी डांट बड़ी इंस्पिरेशनल थी। उनका खुद का अपना रहने का ढंग ऐसा था, जैसे मैं एक बात अगर आपको शेयर करूं तो माय मदर हैड ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा। तो जब मैं हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला, मैं उनसे मैं कहीं यूएसए में जाने वाला था तो मैं ड्रॉप करके फिर इधर आ गया, तो जब मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था तो मैंने पूछा कि मेरे को नहीं पता था कि वो कैंसर वार्ड में होंगे। तो जब मैंने रिसेप्शन में पूछा कि ऐसे ऐसे पेशेंट हैं कहाँ पे होंगे, तो जब उन्होंने कहा वो आगे जाओ लेफ्ट टर्न करो वहाँ पे कैंसर वार्ड है बेड नंबर ये, तो कैंसर वार्ड का सुनते ही बड़ा डर लग रहा था। जब मैं लेकिन अंदर गया बड़ा घबरा के, मुझे मतलब डर लग रहा था काफी। तो जब मैं अभी भी याद है कि कैंसर वार्ड को क्रॉस किया, बीच में पेशेंट्स आए, कोई वॉमिटिंग कर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई पेन हो रही, बिल्कुल मतलब बाल वगैरह नहीं है, तो कंडीशंस बड़ी मतलब वो थी, दिल आजुर्दा हो जाता। और जब मैं बेड में गया तो मैंने मम्मी को देखा तो मम्मी बड़ी खुश, हंस रही हैं, खुश हैं और बात कर रही हैं, जिंदा दिल, जिंदा दिल बिल्कुल। और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी तकलीफ उन्होंने हमसे शेयर की, और उनकी भी तकलीफ उन्होंने शायद खुद से भी शेयर नहीं की। उन्होंने कभी अपने इस चीज को सोचा ही नहीं कि कभी हारना है या कभी कोई ऐसी बात रही। माँ की आपने बात की ना, तो हम भी इस बारे में यही कहेंगे कि पहले तो आपकी माँ को जिन्होंने आपको इतना स्ट्रांग बनाया उसको हमारी तरफ से सलाम, और उन सब माओं को जिन्होंने सभी ऐसे उनको स्ट्रांग बनाया। हम ये कहते हैं कि अगर हमने लाइफ में कभी कुछ अचीव किया है उसके सिर्फ दो ही वजह है, एक पीछे बाप का जो सपोर्ट रहता है, फादर वालिद का सपोर्ट रहता है, वो एक दीवार की तरह महकम रहते हैं, और दूसरा माओ का उठ उठ के हमारे लिए दुआ करना और फिर हमें तैयार करना इस चीज के लिए कि हम कुछ कर सकते हैं। आई थिंक आपने भी सर यू हैव मेड देम प्राउड कि 16 साल के बाद आप फुल फ्लेज डायरेक्टर की तकरीरी हुई एंड यू हैव बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि खुशाइन बात है। आई एम श्योर यू नो आपके पेरेंट्स भी विल बी प्राउड ऑफ यू नो व्हाट यू हैव अचीव्ड इन लाइफ। और मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन कौन से स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, किस किस में आपका पार्टिसिपेशन रहा है? मेरा मेन स्पोर्ट्स तो बास्केटबॉल और स्विमिंग रहा है, बिकॉज ऑफ अ गुड हाइट। हाँ, गुड हाइट तो मैं रीजन नहीं बताऊंगा कि एक्चुअली मेरे से, मैं जब हमारी लाइनअप होती थी हमारी नेशनल टीम्स की तो मैं सबसे लोएस्ट में होता था। अच्छा। सबसे छोटा ही होता था। तो बहुत ऊंची लाइन होती, लंबे होते हैं, उससे भी लंबे होते थे बहुत। तो मैं हाइट की वजह से सही रीजन तो नहीं बताऊंगा, बस ये था कि चलो गुरुओं ने मौका दिया और जो हमारे कोचेस थे उन्होंने खूब डांटा, खूब समझाया, कुछ तो देखा होगा और लगे रहे हम। जो डांट, जो थप्पड़ हमें याद है पड़े हैं, जो मार पड़ी है हमें, रेगुलर रहना, ग्राउंड में आना, डिसिप्लिन रहना, पूरा डेडिकेटेड रहना, स्विमिंग आल्सो। और फिर उसके बाद बास्केटबॉल का एक एंडोरेंस से बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है, तो हमेशा एक पैरेलल स्पोर्ट्स एंडोरेंस की साथ में रखनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए स्विमिंग के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा, और स्विमिंग में दोनों जवाब है, मैं फ्री स्टाइल में भी रहा और डाइविंग में भी रहा। अच्छा। तो अचीवमेंट्स के मामले में देखो तो बास्केटबॉल में शायद सिर्फ मेरे को एक नेशनल लेवल पे एक दो ही मौके मिले, तो स्विमिंग में ज्यादा, स्विमिंग में मैंने ज्यादा मौके लिए वो तो अच्छी बात। स्विमिंग में तो हम इससे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे ना माजिद की, स्विमिंग एक हमें आर्ट है, ये आना चाहिए सबको, हर किसी बच्चे को हमें सिखानी चाहिए स्विमिंग, ताकि कभी ऐसे मामला हो, अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, तो उसे स्विमिंग आनी चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कल्चर होना चाहिए कि हम स्विमिंग सिखाएं, पूल्स हो वगैरह हो, ये सब चीजें? बिल्कुल, हमें ये कल्चर एक डेवलप करने की बहुत जरूरत है। और जैसे ग्रीस में अगर आप देखोगे तो ग्रीस में कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप अपर ग्रेड में नहीं जा सकते। अच्छा।
तो ये कुछ चीजें, जैसे हम लोग यहाँ फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं, वो लोग इसको मूवमेंट साइंस बोलते हैं कि आप अपनी मूवमेंट्स की साइंस को समझें और जब तक आप अपनी मूवमेंट्स अच्छी नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी खुद को समझें तो तब तक आपको प्रमोशंस या ग्रेड्स में ऊपर नहीं जा सकते। वहाँ कागज पे नंबरात पे ही सिर्फ ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, जब तक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप न हो तब तक नहीं जाता। आई थिंक अगर ये बहुत अच्छी तजवीज है, मुझे लगता है कि बच्चों को करिकुलम में ही ये डाल दो कि वो स्पोर्ट्स में भी उनका टेस्ट हो। हाँ मुझे आती है, माशाल्लाह मुझे भी आती है, हमें सब स्विमिंग आती है, इसलिए हमें अपग्रेड किया जा सकता है। अलबत्ता वो फ्री स्टाइल वो उतना स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल वाला नहीं आता। तो खैर हम आपकी इजाजत से एक छोटा सा वक्फा है, उस वक्फे के उस पार हम और मजीद बहुत सी दिलचस्प बातें करनी है, इस बारे में भी जानना है कि हमारी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी इसमें किस हवाले से काम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है फिजिकल एजुकेशन के, लेकिन आपकी इजाजत से एक मुख्तसर हम वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के, हमारे साथ डॉक्टर मनदीप सिंह बने रहेंगे और आप भी बने रहिएगा। पहले मुख्तसर सा वक्त। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे एन के। आज जो हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मनदीप सिंह, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी। अपने मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन प्रोग्राम में भी वक्त आ चला अखबारात की सुर्खियों का, सुर्खियों के उस पार कराएंगे आपके मेहमान से मजीद बातचीत। मेरे पास एक मुकामी अंग्रेजी रोजनामा, इसकी खबर है 48 आवर्स आफ्टर अनाउंसमेंट जे पी डी सी एल विड्रॉज पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल, 24/7 पावर सप्लाई इन स्मार्ट मीटर्ड एरियाज, एमडी जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसी अखबार से और एक खबर है स्वेल्टरिंग फोरकास्ट हीट वेव टू लिंगर फॉर अनदर वीक, एमईटी डीएम जम्मू प्रोहिबिट्स यूज ऑफ ड्रॉट पैक एनिमल्स ड्यूरिंग डे टाइम। जी टाइम जो आप खबर पढ़ रहे थे उसी हवाले से यहाँ भी एक खबर है, दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, पारा 52 डिग्री से मुतवाजिस, 52 यानी 52 डिग्री, ये बहुत ज्यादा गर्मी है। और जम्मू में अब तक का सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 44.8 डिग्री रिकॉर्ड, उस तो अभी हम यहाँ 33, 32 या 30 करम है और ये करम बना रहे हमारे ऊपर। एक और खबर इसी अखबार से है कि कुपवाड़ा और बड़गाम में कुएं में गिरने के दिलदोज वाकात, 4 अफराद जहरीली गैस के इखराज से जाँ बहक और 4 अस्पतालों में दाखिल। जी खानदान के साथ हमारी ताजियत है, अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। और एक मुकामी उर्दू रोजना में इससे खबर है अमरनाथ यात्रियों की बहिफाजत नकल हमल के लिए इकदाम, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फौरी मरम्मत के लिए 17 नाजुक मुकामात की निशानदेही, काम शुरू। जी मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार है, वी द पीपल के उन्वान से लिखा हुआ है कि स्माइल स्कीम एम्स एट क्रिएटिंग द इंक्लूसिव सोसाइटी वेयर एवरीवन हैज द अपॉर्चुनिटी टू लिव विद द डिग्निटी एंड फाइनली रिजॉल्विंग बेगिंग इन द जम्मू एंड कश्मीर। एक और खबर इसी अखबार से है, हेल्थ सेक्रेटरी वोज द सपोर्ट फॉर IFS एफर्ट्स। जी मेरे पास और एक मुकामी और दो रोजनामा इससे खबर है, अतीका मीर ने नया लैप रिकॉर्ड बनाया,
अब ये कौन सा रिकॉर्ड है, इसके लिए आप अखबार का मुताला जरूर करें मजीद जानने। आपने जरा तजस्सुस रख लिया। मेरे हाथ में उर्दू अखबार है, स्कूलों के हवाले से छुट्टी के हवाले से जो तातीलात है उस हवाले से खबर है कि फिलहाल स्कूलों के अवकात कार में तब्दीली का कोई मंसूबा नहीं, जरूरत पड़ने पर जरूर किया जाएगा, उसके फैसला लिया जाएगा नाज़िम तालीमात। जी ये थे हमारे पास अखबार। हमारे साथ है डॉक्टर मनदीप सिंह, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी। जी जी, तो जैसे सर आपकी जिंदगी का सफर हो गया तो उसके बारे में हमने आपने हमारे नाज़रीन को भी बताया। अब हम जानना चाहेंगे जो आप अभी इस अहदे पे फाइज हैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, तो इसका जो आपका जो डिपार्टमेंट है इसका क्या विजन है, आपके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके जो असाइनमेंट्स हैं क्या देखते हैं, या ओवरऑल जो वर्किंग रहता है इस डिपार्टमेंट का उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर इसको एक लाइन में बोलना हो तो ऑफकोर्स जो विजन कश्मीर यूनिवर्सिटी का है सेम अलाइनमेंट्स हैं, क्वालिटी और एनहेंसमेंट परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना। ओके, ये तो एक मेन ऑब्जेक्टिव बड़ा सा तो है ही है। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो कश्मीर यूनिवर्सिटी पहले ही इतनी ऊपर है स्पोर्ट्स में, एक नेशनल लेवल में ऑलरेडी इतनी ऊपर है, पहले ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस इतने अच्छे तरीके से थी। बस मेरे को ये था कि जैसे हमें अपने हर अपने बच्चे को अपने पिता से कुछ ऊपर करने की एक इच्छा होती है, एक मौका वो पिता देता है, तो मुझे भी एक माँ एक पिता की तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी से एक हाथ एक सपोर्ट तो मिल गया था कि आप आए यहाँ पे काम करें। अब मुझे अब इसको और ऊपर लेके जाना था, तो उसके ऊपर काम करने के लिए मुझे सोचना था ताकि और क्वालिटी आए और एनहेंसमेंट आए। तो उस बात का थोड़ा सा बड़ा सिस्टमेटिकली एनालाइज किया। जैसे हम लोग पहले 29 इवेंट्स करते थे स्पोर्ट्स के, अब हमने उसको बढ़ाकर 39 कर दिया, 42 कर दिया, फिलहाल हम 39 पे स्टेबल हैं, बट 42 इज द टारगेट। और उसके बाद नेशनल लेवल पे तो हम ऑलरेडी काफी थे, अब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहे हैं और हम लोग गए भी हैं। अच्छा, मैं आपको एक वाक्य सुनाऊं कि कुछ एग्जांपल्स जैसे आप सुनाएं। हमारे टैलेंट हंट एक मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि टैलेंट हंट हम जरूर करें। तो अब ये मेरी बहुत बड़ी मतलब किस्मत है कि हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम हैं प्रोफेसर नीलोफर खान, तो जो बच्चा होता है ना वो थोड़ा उसकी सोच उसकी विजन थोड़ी कम होती है, तो मैं भी उसी कम सोच के साथ ऑनरेबल मैडम के पास गया अपने एक स्टूडेंट को लेकर कि मैडम शी हैज बीन सिलेक्टेड, हमने इसको टैलेंट आइडेंटिफाई कराया था स्कीइंग में, और हमने एसोसिएशंस को बुलाया कि आप इसको ये अच्छी लड़की है हमारी इंटर कॉलेजेट में अच्छा परफॉर्म किया आप इनको एक बार देखो, और स्कीइंग एसोसिएशन ने उसको देखा और उसको बोला हम इसको आगे वहां पे कजाकिस्तान भेजेंगे फॉर ओलंपिक ट्रायल्स। और मैं सिर्फ 20,000 की रिक्वेस्ट लेके गया, लेकिन वही है कि जो उनका विजन ज्यादा होता है। शी इज हेडिंग द यूनिवर्सिटी। हाँ बिल्कुल। और तो जैसे उन्होंने बात की कि ये इन्होंने अच्छी प्लेयर है कजाकिस्तान जाना है तो खर्चा भी ज्यादा होगा, तो उन्होंने बात ही 2 लाख से स्टार्ट की। तो मेरे लिए वो एक मोमेंट था जब मुझे ये पता लगा कि नहीं मेरे को मेरा स्कोप ज्यादा है और मुझे कुछ करके दिखाना है। बड़ा सोचने की जरूरत है, सपोर्ट भी अच्छा है, इतना ज्यादा सपोर्ट है। आप हमारे वाइस चांसलर मैडम को देखिए, आप हमारे जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं प्रोफेसर इकबाल साहब को देखिए, आप उनका विजन उनसे जब बात करेंगे तब आपको लगता है कि नहीं कश्मीर जो है वो इतना पोटेंशियल है कि उसको आप जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ ले जा सकते हो। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। बहुत आप तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मेरे ऊपर थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले तो हम एक स्पोर्ट्स कैलेंडर पूरा बनाएंगे, तो उसमें हमने इवेंट्स को पूरा डिवाइड किया, स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाया, फिर ये सीक्वेंस बनाया कि पहले हम अपनी एक्टिविटीज जो इंटरनल हैं टैलेंट हंट करके उन इंटरनल एक्टिविटीज को करेंगे पूरा, और उस एक्टिविटीज को करने के बाद नेशनल लेवल पे जो हम होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल पे जो हम अपनी टीम्स भेजेंगे उसके बाद वहां भेजना शुरू वहां भेजेंगे। इसमें एक खास बात मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा आप हमें उस पर बताएगा, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं
फुल फ्लेज्ड एक्सपर्ट एंड डॉक्टरेट है आपका इन द फिजिकल एजुकेशन। यूजुअली हमारे टाइम में कॉलेज में ऐसा होता था कि किसी एक टीचर को या किसी एक प्रोफेसर को दिया जाता था कि आप फिजिकल एजुकेशन को संभालिए, एक एडिशनल चार्ज। ही वाज नॉट एक्सपर्ट, वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हुआ करता था, खुद फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट नहीं हुआ करता। क्या फर्क है इस चीज में, मतलब हाउ डू यू सी द थिंग्स चेंजिंग जब आप किसी एक्सपर्ट को अपने फील्ड पे और या अपनी जो उसका ओहदा है उस पे मुकरर करेंगे? ये सबसे बड़ा तो इंस्पिरेशन रह जाता है। एक जो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स का छोटा सा लड़का जो अभी यूनिवर्सिटी में आया है, अभी खेल ही रहा है, खेल ही रहा है, जैसे एक छोटा असिस्टेंट प्रोफेसर आया, वो देखता है कि वाइस चांसलर है, तो वो उनको अपना आइडल मान के कि मेरे को भी वैसा चलना है। तो सेम यहाँ पे भी छोटा फिजिकल एजुकेशन, एक स्पोर्ट्स का जो नया नया आया, वो देखता है कि स्पोर्ट्स डायरेक्टर तक जा सकते हैं, वो इंस्पिरेशन तो जरूर रह जाती है। एक ये जिम्मेदारी को समझना कि एक डायरेक्टर स्पोर्ट्स हो, परमानेंट हो, और स्टेट में सिर्फ एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास ही परमानेंट फिजिकल एजुकेशन का डायरेक्टर है, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी अभी परमानेंट नहीं है। तो ये जिम्मेदारी को समझ के फिर स्पोर्ट्स को कैसे हम आगे बढ़ाएं, ताकि पूरी जिम्मेदारी समझें और सच में कुछ सोसाइटी को दे सके, कंट्रीब्यूट करें। क्या आपने ऐसा कुछ किया है यूनिवर्सिटी में? यूजुअली क्या कि हमारे जो एकेडमिक शेड्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं कि इस डेट पे एग्जाम्स होंगे, इस डेट पे रिजल्ट्स होंगे, इस डेट पे क्लास स्टार्ट होंगे, इस डेट पे हमारी छुट्टियां तातीलात होंगी। लेकिन हमने स्पोर्ट्स में ऐसा देखा है कि यूं ही किया जाता है कि कभी मैच है, फिर इंफॉर्मेशन जाती है, फिर टीम आता है। और क्या ऐसा कुछ होता है आप यूनिवर्सिटियों में कि उसका एक फिक्स्ड शेड्यूल हो, एक स्केड्यूल हो उस हवाले से, स्पोर्ट्स आज होना ही आना, आज क्रॉस कंट्री होनी ही होनी, आज हॉकी का मैच होना, ऐसा कुछ होता है? हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स कैलेंडर लॉन्च किया। दैट्स व्हाट एक्चुअली मैं क्या चाहता था, तो आपके पास स्पोर्ट्स कैलेंडर में बच्चे को भी पता होगा कि अगर एक बच्चा क्रॉस कंट्री का तो उसको पता होगा कि अगले जून 15 में हमारी क्रॉस कंट्री होगी, और वो उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस भी रखता है, और जो एक परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो एक स्पोर्ट्स कैलेंडर हम लोगों ने बनाया। ठीक है, स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाने के अलावा पर्पस तो यही था कि पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हो, जिस सबको पता हो कि कौन कौन से इवेंट में वो जा सकते हैं, और पूरे साल का स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाया। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कही कि एकेडमिक्स के साथ मिलकर उनके साथ बैठकर बनाया, ताकि जब उनके एग्जाम्स होते हैं तो हमने वो गैप रखा, क्लैश ना हो, एग्जाम्स और एक्टिविटीज क्लैश ना हो, क्योंकि पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगी तो टैलेंट हंट सबसे ज्यादा रहेगा। आई थिंक जैसे हम बात करे थे ना इस सवाल से पहले, एक खुशाइन बात ये भी है कि जब आपने गेम को खेला है तब आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जब जैसे हम मुशायदा सबसे बड़ा उस्ताद रहे, हां मंदीप साहब ने खुद स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो देन अब उनको स्पोर्ट्स पढ़ाना है तो आई थिंक इट विल बी मच इजियर टास्क, एंड देन आप एक्सीलेंस पे भी जा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे, उनका कैसा रुझान है स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर एक नया इंडस्ट्री बनते जा रहा है। अब पहले जैसे हम कह रहे थे, पहले मेयर एक फिजिकल एक्टिविटी की तरफ हम स्पोर्ट्स को देखते थे, आज एक स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स में आज स्पेशलिस्ट्स हैं, और आज इतनी इतनी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को, ISL हैं, IPL हैं, इंडियन हॉकी लीग हैं। तो हाउ आर पीपल टेकिंग दिस एज अ सब्जेक्ट, या बच्चे किस तरीके से स्पोर्ट्स को भी ले रहे हैं? अगर ऐसे सब्जेक्ट की ही सिर्फ बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें इसी से पता चलती है कि हम सिर्फ फिजिकल से पहले, एजुकेशन से पहले फिजिकल को बोल रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन। तो एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल अपने आप को होना है, तो फिजिकल एजुकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकली स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना, ये खुद में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, खुद में ही एक बहुत बड़ी एक महत्वता बन जाती है कि अगर आप फिजिकली ठीक हो तो आप एजुकेशन में और बाकी कामों में फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो प्रोस्पेक्ट क्या है आपका, मतलब जैसे बच्चे फारिग हो जाते हैं, कोई बच्चा है उसने मास्टर्स किया आपके यूनिवर्सिटी से या डॉक्टरेट भी करा, तो आप चैनलाइज करते हैं उनको कहीं पे प्लेटफॉर्म, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटर्नशिप्स वगैरह या प्लेसमेंट्स होती हैं आपका, ऐसा कुछ टाइप्स है? यूनिवर्सिटी इस चीज को लेकर पूरी अथॉरिटी काफी ज्यादा एक्टिव है और काफी ज्यादा आगे बढ़ भी रही है, काफी काम भी कर रहे हैं। एक तो दोनों जनरल लाइन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो एक ओपन स्किल कोर्सेज डेवलपमेंट्स तो है ही हैं, जनरल कोर्सेज, जैसे जनरल बच्चा भी है तो वो फिटनेस को लेकर आ सकता है, फिटनेस के स्किल कोर्सेज हैं, वो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में लेके अपने आप को कोर्सेज में ला सकता है, योगा में आ सकता है, हमारे पास जिम के फिटनेस कोर्सेज अभी हमने प्रपोज किए हुए हैं, उनको लेके आगे आ सकता है। और जो पर्टिकुलरली फिजिकल एजुकेशन में है
उनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस देना तो हमने इनसे शुरू किया है। खैर इस पर हम मजीद बात करेंगे, बहुत ही मानखेज बात हो रही है, लेकिन फिर एक मुख्तसर सा वक्फा है, उस वक्फे के उस पार हम अपने आज के मेहमान डॉक्टर मनदीप सिंह जो कि डायरेक्टर है फिजिकल एजुकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उनसे बातचीत जो जारी रहेगी, लेकिन पहले एक मुख्तसर सा वक्फा। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। नाजिन तो शुभ शाम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के, आज अस्थित मेहमान तशरीफ फर्मा डॉक्टर मनदीप सिंह डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी। डायरेक्टर साहब आपसे हम ये भी पहले जानना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी में दाखिला एडमिशन कितने स्टूडेंट्स का होता है फॉर मास्टर्स या फॉर डॉक्टरेट, या क्या क्या डिग्री इधर फिजिकल एजुकेशन में होती है, इनटेक कैपेसिटी क्या है और क्या रुझान रहता है स्टूडेंट्स का? जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन है इसमें दोनों एस्पेक्ट हैं, एक तो स्पोर्ट्स को जो देख रहा है और दूसरा टीचिंग विंग भी है जो टीचिंग को देखता है, जिसमें मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया जाता है किया जाता है। ठीक ठीक। और इसमें पहले हमारे 25 की एडमिशंस थी, अभी उसको बढ़ाकर 40 कर दिया गया। अच्छा 40। तो ये 2 साल की है और इसमें अब 40 एंड 40 मतलब हम लोग इजिली 100 स्टूडेंट्स अगर आ जाएं तो इजिली एकोमोडेट। इसमें एडमिशंस कैसे होते हैं, इनका एंट्रेंस कैसे होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? एक फिजिकल फिटनेस जनरल टेस्ट रहता है जिसमें अगर कोई भी सिंपली आदमी थोड़ा सा भी फिट है तो वो इस फिजिकल फिटनेस कैनेडियन एंड ऑफर के थ्रू एक फिटनेस टेस्ट है उसको क्लियर करके आराम से एडमिशन में आ सकता है। ठीक। थोड़ी बहुत एक रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि ये फुल फ्लेज प्रोफेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, इसीलिए इसमें एक रिक्वायरमेंट रहती है कि पहले थोड़ा बहुत वो स्पोर्ट्स में खेला हो। तो फिर उसके बाद वो इस कोर्स में दाखिले में आ जाता है और ये 2 साल का कोर्स रहता है, इसमें उसको 22 स्पोर्ट्स से रूबरू कराया जाता है, उसको उन स्पोर्ट्स को प्रैक्टिकली करना पड़ता है। फिर आप उनमें देखते हैं किस में इनका इंटरेस्ट है या उसमें कैपेबिलिटी क्या है वो भी देखते हैं। हाँ, उन सारी स्पोर्ट्स में उसको पास करना पड़ता है ताकि वो आगे स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारी स्पोर्ट्स होती हैं तो उनको अच्छे से करा सके और उन्हीं में से कोई एक स्पोर्ट्स उसको स्पेशलाइजेशन के तौर पे लेनी पड़ती है जो हमने इस बार स्टार्ट कर दिया। हम बात कर रहे थे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी भी है और फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए डायरेक्टर है अभी आप, ये जो है ये दोहरा दो रुख वाले ये जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आपकी, ये कैसे आप संभालते हो और इसका क्या मामला है? ये तो मेरी अच्छी किस्मत रही कि छोटे होते से ही थोड़ा था कि फिजिकल एजुकेशन में ही जाना, तो मुझे अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ज्वाइन करके जम्मू यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे पढ़ाने का मौका मिला और जब वहाँ पे पढ़ाने का मौका जब 17 साल वहाँ पे हो गए तो एक मौका मुझे यहाँ पे भी मिला, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स का काफ़ी कुछ संभाला ही हुआ था, तो यहाँ जब मौका मिला तो एक अच्छी किस्मत रही। कैसा लगा अच्छा। कश्मीर यूनिवर्सिटी वाला मौका कैसा लगा, मतलब मौसम की जरा सी फर्क है और घर से थोड़ा सा दूर भी है, यहाँ ही रहना है, तो कैसा लगा आपको? ये जितनी अभी शुरू में ही जितनी खूबसूरती ने आपने तापमान बताया जम्मू और कश्मीर का तो पता चल जाता है कि मैं सच में किस्मत वाला हूँ और सच में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ के बारे में हम अक्सर वो एक शेर पढ़ते हैं ना कि अगर फिरदौस बरोए जमी अस्त, तो उसी मुल्ला उर्फी का ये कलाम है, उसका तर्जुमा है कि अगर बुने हुए मुर्गे को जैसे हम तंदूरी चिकन बनाते हैं ना, उसको भी हम कश्मीर लाए उसके बालों पर नए आ जाते तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत। मेरे ख्याल से ये बच्चों की भी खुशकिस्मती है कि एक स्पेशलिस्ट एक टीचर भी हैं डायरेक्टर भी हैं वो मिले हैं। आई थिंक इट्स तो जैसे अक्सर हम यूनिवर्सिटी में खुद भी रहे हैं, यूनिवर्सिटी के इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स रहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर वो नेशनल भी जाते हैं बच्चे, तो अभी जो स्पोर्ट्स का आपका जो यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स है अदर देन टीचिंग जैसे आप बात कर रहे थे, तो उसमें कौन कौन सी अचीवमेंट्स यूनिवर्सिटी ने कहाँ कहाँ गए हैं? अचीवमेंट्स में मैं आपको वाकया सुनाऊं कि मेरे को सबसे अच्छा अचीवमेंट का एहसास तब हुआ जब मुझे ये जो स्पोर्ट्स को जो ऊपर सुपरवाइज करता है वो है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी AIU। ओके, ऑल इंडिया AIU के सेक्रेटरी हैं शेखो साहब, उनका मुझे कॉल आया
और उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने टूर्नामेंट्स ऑल ओवर इंडिया में होते हैं तो 2-3 महीने से मेरे को उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अच्छा। तो रिपोर्ट्स में क्योंकि मोटी होती है रिपोर्ट्स, तो फ्रंट में टॉप यूनिवर्सिटीज के जिनके मेडल्स होते हैं उनके नाम रहते हैं। ओके। तो बोलते हैं मेरे पास 4-5 बंडल आ गए, ऊपर कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो जब एक AIU का सेक्रेटरी हमें कॉल करके ये बोल रहे हैं कि मतलब आज अचानक ऐसा क्या हो गया, हर जगह कश्मीर यूनिवर्सिटी। और उस समय उन्होंने मुझे बताया कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी मेडल टैली में नंबर 1 पे आ गई है, जो शायद पहले कभी ऐसा नहीं रहा। तो वो मुझे लगा कि हाँ सच में हम लोग की अचीवमेंट्स बहुत अच्छी हो रही है। खूबसूरत बात यह है कि एक्चुअली हमारे यहाँ मोती तो है, लेकिन मोती को चमकाने के लिए सूरज की जरूरत है। इस पे इकबाल की एक मिस्र मुझे याद आते हैं कि फिर इस मोती को चमकाती है सूरज की किरण। तो सूरज की किरण हमारे लिए तो डायरेक्टर साहब खुद ही है। अच्छा, आप सिर्फ पढ़ाते हैं और फिर वहाँ ये जो स्पोर्ट्स कल्चर आपने डेवलप किया, लेकिन उसके साथ साथ यू हैड बीन इन द डॉक्टरेट एंड तहकीक, यानी रिसर्च में भी है आप। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ रिसर्च क्या है, रिसर्च इसमें और आपकी जो रिसर्च है किन फील्ड्स में, उसमें भी हमें बताइए। उससे हमें दो फायदे ये है कि एक हमें इस फील्ड के बारे में पता चल जाएगा, और दूसरे जो पढ़ना भी चाहते हैं और फिर स्पोर्ट्स में भी जाना चाहते हैं, हमारे नाजरीन में देख रहे होंगे कुछ नौजवान, उनके लिए आप एक मशाल राह है, एक इंस्पिरेशन बनेंगे। रिसर्च तो आप जो मेरा रिसर्च के साथ नाता है वो तो बहुत गहरा है। रिसर्च के बिना तो टीचर प्रोग्रेस जहाँ सोसाइटी को जब आप कुछ देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तो रिसर्च के थ्रू आप दे सकते हैं। और रिसर्च का जैसे मेरे बहुत मौके मिले, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्रीज में जाने का। ठीक। और जो पेटेंट्स जब मेरे ग्रांट हुए तो जो एक मौके मिलते हैं, पता चलता है कि अब सोसाइटी को कुछ देने लगा। लेकिन मेरे हिसाब से रिसर्च जो मैंने सीखी वो सिचुएशनल सीखी। अच्छा। सच में ऐसा हुआ सामने, और जब कंट्रीब्यूट करने की बारी आई तो पता चला कि ये कंट्रीब्यूशन एक पेटेंट ग्रांट्स हो रहे हैं, एक रिसर्च ऐसी इनोवेशन में सामने आ रही है। जैसे मेरे अपना मेरा अपना एक बेटा है, तो जब वो छोटा था उसके पांव बड़े खूबसूरत थे, तो हम चूमते भी थे अपने बच्चों के पांव और वही सब कुछ, कितने अच्छे लगते हैं। तो धीरे धीरे मैंने देखा उसका पांव फ्लैट होने लग गया। तो अब खुद पे ही वो बात बीती और मैं ही बायो मैकेनिक्स में हूँ रिसर्चर, फ्लैट फुट होने लग गया आप, जबकि पहले बिल्कुल ठीक था। तो फिर उसी के ऊपर एक डिवाइस बनानी शुरू की कि जो फ्लैट फुट को एनालाइज करता है, जिससे ये पता चल सकता है कि आपका फ्लैट फुट होने वाला है, आपका फ्लैट हो रहा है फुट, और उसके मसल वेरिएशन का पता चल जाता है। तो मैं बायो मैकेनिक्स में हूँ, जो फिजिकल साइंसेस वगैरह होती है। तो वो जब इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, ऑर्गेनाइजेशन से बात की, डिफरेंट मेडिसिन से बात की, तो उन्होंने जब आगे बताया कि ये तो एक नई इन्वेंशन है, पेटेंट के लायक है, तो फिर सच में ही लगा कि हाँ सच में रिसर्च एक सिचुएशनल होती है। आपको वो चीजें सोसाइटी को जब देने लगते हो, इंसान इसी को कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम देखता है और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है। मतलब इंसान का अगर सफर हम देखेंगे कि वो एक चरावा था, ये एक नोमैड था और फिर आज ये चांद तक सफर करता है, ये तो सब ऐसा ही है कि इसने कुछ प्रॉब्लम पाई, फिर उसने अपने जहन से उसकी कुछ उस गैप को फिल किया। मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आपने बात की बायोमैकेनिक्स के साथ, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते तो अक्सर जो लोग हैं उनका ये ख्याल रहता है कि ये एक आर्ट है शायद, लेकिन चूंकि अब देखा गया है जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा साइंस की है। क्रिकेट में भी देखते हैं कि बैट्समैन का बैट कितना होना चाहिए, हर एक चीज कैसा आप देखते हैं कि साइंस का जो इंटरवेंशन है स्पोर्ट्स में कितना है और कितना जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट, इसको हम पढ़ा भी सकते हैं, इसको भी हम सिखा भी सकते हैं बच्चों को। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ये साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, इवन पॉलिटिकल साइंस, हर चीज इसमें है। लीडरशिप ऑफकोर्स, हर चीज इसमें है। शायद कोई ही चीज होगी जो आप किताबों से निकाल के यहाँ पे नहीं ला पाओगे, या यहाँ से निकाल के किताबों में नहीं ला पाओगे। तो स्पोर्ट्स तो ऐसी चीज है कि जो इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, और हर डिसिप्लिन इसमें आता है। आपने जो जिक्र किया ना, हर डिसिप्लिन इसमें आता है, तो मुझे एक चीज याद आया, उसके बारे में आप हमें रहनुमाई करें कि स्पोर्ट्स एक तो इसका फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस वगैरह, फिर करियर इसमें वगैरह, दूसरी बात है कि स्पोर्ट्स की वजह से कल्चरल बॉन्डिंग बढ़ जाती है।
दो लोग इकट्ठे खेलते, एक टीम में होते हैं, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट एथनिटी से होते हैं, डिफरेंट कौमों से होते हैं, मुख्तलिफ नस्लों से होते हैं, फिर इससे कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी, ऑफ ए सोसाइटी होल, किस तरह स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। और आपने एग्जांपल्स देखे होंगी, आपने खेला भी और आप बच्चों को खिलाते भी है उधर, तो कैसे आपको लगता है क्या क्या चेंज आती है इस वजह से एक बच्चे में? अगर आप इस पूरे यूनिवर्स के पांच पावरफुल नेशंस को देखें, सबसे पांच पावरफुल, चाहे वो साइंस में देख लें, इकोनॉमिक्स, चाहे इकोनॉमिक्स में देख लें, और फिर आप उसको बोलें कि वो पांच नेशन कौन है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, वही है, वो वही हो, वही है चाइना, यूएसए। तो हमें फिर पता चलता है कि स्पोर्ट्स और कल्चर में आगे रहना, स्पोर्ट्स में आगे है वो कल्चर में भी आगे है, वो हर सब्जेक्ट में आगे है। और जहां पे स्पोर्ट्स में पांच प्लेयर्स हैं एक गेम में और पांचों प्लेयर अलग अलग रीजन, अलग अलग घर से, फिर वो कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तो फिर वो बहुत जबरदस्त चीज बनती है। और इससे फिर कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल सोशल डेवलपमेंट हमारी जो सोसाइटी की होती है, या जो हमारे गोल्स होते हैं, बड़े गोल जो एज ए कौमी गोल जिन्हें हम बोलेंगे, वो हमें अचीव करना। इस मामले में एक चीज ये भी है कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं, ऑनरेबल हमारे वाइस चांसलर मैडम है, उन्होंने मुझे एक स्ट्रिक्ट, बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन बताई थी कि आपने स्पोर्ट्स को कल्चर के साथ जोड़ना है, स्पोर्ट्स को सोसाइटी के साथ जोड़ना है। तो उसमें आप देखिए कि उन्होंने वो डायरेक्शन दी, तो उसमें फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने महाराष्ट्र का एक बहुत, जहां से फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट टाइम शुरू हुआ, हनुमान व्यायाम अखाड़ा, तो हम लोगों ने उनसे कॉन्टेक्ट किया। अभी इसी 24 जून को हनुमान व्यायाम अखाड़ा से महाराष्ट्र का पूरे कल्चर का ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स का कंटिंजेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी आ रहा है। और एक वहां की जो स्पोर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में वो डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। यू आर कंट्रीब्यूटिंग एज अ स्पोर्ट्स टूरिज्म हमारे। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, वो तो है ही, स्पोर्ट्स टूरिज्म तो है। क्या इस पे काम और किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा, जो पहले भी हम जिक्र कर रहे हैं कि बुना हुआ मुर्गा भी ताजा हो जाता है यहाँ, क्या इस फील्ड को, इस अपॉर्चुनिटी को हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? एंड बींग द डायरेक्टर, इसमें आपके कोई विजन्स है कि आने वाले 5 सालों 10 सालों में ऐसे इवेंट्स होंगे, जैसे गर्मियां बहुत है बाहर, यहाँ इवेंट्स होंगे, इसमें आपका क्या? इसमें हम लोग दोनों वर्क पे काम कर रहे हैं। जो एक तो समर स्पोर्ट्स में वाटर स्पोर्ट्स कश्मीर के पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे पास वी हैव लेक्स, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी वर्क कर दिया है और ऑलरेडी हमारे पास नेशनल इवेंट्स इसके लिए आने वाले हैं। दूसरा विंटर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स में कश्मीर यूनिवर्सिटी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो विंटर स्पोर्ट्स स्कीइंग और इसके अलावा 5 और इवेंट्स हैं जिसमें आइस हॉकी भी है, जिनको ऑल इंडिया लेवल पे होस्ट करेगी विंटर पे। और ये मतलब अप्रूवल भी आ गया है, इसके लिए फंडिंग हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर ने बहुत अच्छा से रखा हुआ है। और इसका हमें बेनिफिट क्या मिला कश्मीर यूनिवर्सिटी को कि हम 2024 में दिसंबर की डेट्स हैं जिसमें हम विंटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इकलौती यूनिवर्सिटी है जो इसको होस्ट कर रही है और फर्स्ट टाइम होस्ट हो रहा है, इसका बेनिफिट बाय डिफॉल्ट हमें ये मिला कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की टीम 2026 विंटर ऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कनाडा में जा रही है। अच्छा, हम कश्मीर यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं और हमारे पास पोटेंशियल है, हम लोगों ने सिर्फ एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जोड़ दिया, बाकी हमारे पास बच्चे इतने पोटेंशियल हैं, हमारे पास एनवायरमेंटल इतने बेनिफिट्स हैं, नेचुरल लेक्स हैं जो है नहीं बिल्कुल। सही, मेरे ख्याल से वो एक एडवांटेज है। रादर जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट रहा है हमारे, जैसे आप बात कर रहे थे विंटर ओलंपिक्स की या समर ओलंपिक्स की, आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी और अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। इस मामले में थोड़ी सी माफी चाहूंगा आपसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने बहुत डेवलप किया हुआ है, उन्होंने काफी अच्छा रखा हुआ है, पहले भी बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा। आप देखिए ग्राउंड कितने मेंटेन रहते हैं, कितने खूबसूरत और अच्छे ग्राउंड हैं, रेस कोर्स भी कुछ बनाया, वो कितना खूबसूरत बन रहा है। अभी हमारे पास नेचुरली इतना अच्छा है विंटर स्पोर्ट्स के लिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास अपना एक एरिया है वहां पे गुलमार्ग में, पूरा अपना एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरली हम ठीक है। आखिरी मिनट है हमारे लिए हमारे इस प्रोग्राम में, तो आपकी तरफ से मैसेज क्या जाएगी हमारे नाजरीन को, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे जरूरी है कि एजुकेशन से भी पहले मूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मूवमेंट्स को अच्छे रखते हैं, अगर आप अपनी फिजिकल चीजों को अच्छे रखते हैं,
तो फिर एजुकेशन उसके बाद आती है. दैट्स व्हाई मूवमेंट जो है वो बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है वो किसी भी किस्म की मूवमेंट हो, फिर वो अपने शौक के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से, उन सब चीजों के. बस सुबह थोड़ा अपना टाइम 15 मिनट ही सही, लेकिन उस मूवमेंट्स को जरूर दे दीजिए. बिल्कुल शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा. और उम्मीद है कि जो नाज़रीन हैं उन्हें भी बहुत ही, और ये माने खेज बातें थी, बड़ी मीनिंगफुल बातें थी, और उन मीनिंगफुल बातों से हमें जो सीखने को मिला, जो हमें ये जो एक्यूमन डेवलप हुआ कि स्पोर्ट्स की जो हमारी यूनिवर्सिटी है कश्मीर यूनिवर्सिटी, उसमें कितना पोटेंशियल है और क्या काम कर रहे हैं. हम यूजुअली ऐसे देखते नहीं है चीज़ों को, हम यूजुअली एंड रिजल्ट्स को देखते हैं, उसके पीछे जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो एंड्योरेंस होती है, फोकस्ड रहना रहता है लोगों का, वो हमें नहीं दिखता है. और आप जैसी जो एग्जाम्पल्स है हमारे पास जो जब आती है मेहमान की शक्ल में, और हमारे इस पूरे प्रोग्राम की शोभा भी बढ़ाती हैं, और जो नाज़रीन हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात ये रहती है डॉक्टर साहब के, फिर वो इंस्पायरेशन बनते हैं. इसी इंस्पायरेशन और इसी खैर ख्वाही के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, और नाज़रीन आपसे भी इजाजत लेंगे. दीजिए हमें इजाजत. अल्लाह हाफिज़.